इतने लोग स्वागत करने आए हैं, विश्वास नहीं हो रहा। हिम्मत है, रानी लक्ष्मीबाई है, बहादुर। सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं सियालदा राजधानी का पार्ट टू, जो जर्नी स्टार्ट हुई थी नई दिल्ली से सियालदा तक की। होप आपने पार्ट वन एंजॉय किया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको भी देखें। प्रॉमिस करता हूँ एंजॉय करेंगे। मैंने बताया ही आपको, ट्रेन हमारी जो राइट टाइम चल रही थी, रात में पता नहीं क्या हुआ, ये घंटे लेट हो गई। चलिए आगे देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। आज तक मैं अभी सुबह उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, वॉशरूम नीट एंड क्लीन मिला और मूड भी फ्रेश हो गया। ठंड का असर दिखने लगा है, अब बाहर देख रहे हैं हल्का हल्का फॉग आ चुका है और उसमें गर्मा गर्म चाय है ना। अच्छा कितना हुआ? थैंक यू, धन्यवाद। चाय की लेते हैं चुस्की। और बाहर का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, आपने देखा है कोडरमा स्टेशन की तरफ स्किप किया। ये छोटी सी स्टेशन है परशाबाद, यहाँ पे रुकी है। विंटर सीजन का दस्तक हो चुका है इंडिया में और ये झारखंड का नज़ारा है। देखिए कुहा कुद्रू में हल्का फॉग दिख रहा होगा और कैसा सन्नाटापन है। जैसा मैंने बताया था, ये ट्रेन जर्नी थोड़ा हट के होगी, हाई स्पीड स्किप एक्शन के साथ ये जर्नी होगी और हम लोग देख इस पर ज़्यादातर फोकस रहेगा रफ्तार पे। और देखिए फॉग दिख रहा है आपको, हल्का हल्का फॉग। लेकिन कुछ भी कहो, सुबह सुबह का व्यू अलग ही रहता है भाई। वो पहाड़ी इलाका हो, सुबह सुबह का नज़ारा ही मस्त रहता है। देखो सुबह सुबह पूरा एक्सरसाइज करके बैठे हुए हैं लोग, दोनों लोग। नहीं, हल्का पहाड़ी इलाका है ना। आपको भी फॉग का एहसास हो रहा होगा, वीडियो में दिख रहा होगा।
जब नई दिल्ली से खुली थी तो साफ़ सफाई के बारे में बताया था, बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है। तो अभी सुबह सुबह भी अगर आपको ठीक नेक्स्ट डे दूसरे दिन अभी आपको इस तरह का वॉशरूम मिल जाए नीट एंड क्लीन, तो क्या कहना। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, जी हाँ धनबाद, धनबाद जंक्शन, स्टेशन को DHN और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। ट्रेन अप्रॉक्स 45 मिनट्स लेट चल रही है। श्रेणी वेटिंग हॉल देखिए कितनी भीड़ है, और टाइम देखें 7:18 पर यहाँ पे ट्रेन आई है। छ बज के 30 मिनट पर टाइम था, 7:20 पे आई, यानी 45 मिनट से अप्रॉक्स लेट है यहाँ पे धनबाद। हम लोगों ने नई दिल्ली से धनबाद तक 1191 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। धनबाद रेल डिवीज़न का हेडक्वार्टर यहीं पे है धनबाद में, और यहाँ से निकलती है ग्रैंड पोर्ट लाइन जो धनबाद को हावड़ा से जोड़ती है। प्लेटफॉर्म है, 114 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, 16 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 16 टर्मिनेट धनबाद जंक्शन से। फिलहाल इस कोरोना काल में 29 कोविड स्पेशल ट्रेन रोजाना गुजरती है धनबाद जंक्शन से।
ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है आसनसोल जंक्शन, स्टेशन कोड ASN। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 210 ट्रेनों का रोजाना हॉल्ट है। 44 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 44 टर्मिनेट, यानी 44 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 44 टर्मिनेट आसनसोल जंक्शन से। 7:09 पे टाइमिंग था, बट ट्रेन आप टाइम देख रहे हो 8:10, यानी ट्रेन यहाँ भी 1 घंटे लेट पहुँची है आसनसोल जंक्शन। अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आइए, जैसा आपने सामने देखा होगा, और ये बहुत अच्छा है। हमारे जितने भी कुलियाँ देखे, सभी लोग घेरे में खड़े हैं, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इनसे सीखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे फॉलो करना है इनसे सीखिए। तो हम देखिए जगह जगह पे दूरी बना के लोग खड़े हैं। आप सभी का स्वागत है सिटी ऑफ ब्रदरहुड, जी हाँ आसनसोल। और ट्रेन हमारी आसनसोल से रवाना हो चुकी है। बहुत दिनों बाद मौका मिला है इस रूट में आने का, क्योंकि नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में बहुत लिमिटेड ट्रेन चल रही हैं। इसके पहले मैंने लास्ट जर्नी की थी पूर्वा एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास में। आप लोगों ने उस ब्लॉग को बहुत पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। अब इसका नेक्स्ट हॉल्ट आएगा दुर्गापुर। हमारी पहुंच चुकी है दुर्गापुर, स्टेशन कोड DGR, और वेस्ट बंगाल का कह सकते हैं वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटी दुर्गापुर। जैसा हर प्लेटफॉर्म रहता है वैसा ये भी है, नजारा देख लो। और 4 प्लेटफॉर्म पे आइए, फिलहाल यहां से 26 कोविड स्पेशल ट्रेन रोजाना गुजरती हैं दुर्गापुर से, इसलिए आप प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं कितना सन्नाटापन है। आप डिफेंस में हो, आपके बाल के स्टाइल से पता चलेगा आप डिफेंस में हो। चलिए, और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 166 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है। 1 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 1 टर्मिनेट दुर्गापुर से। फिलहाल 26 कोविड स्पेशल ट्रेन रोजाना गुजरती है दुर्गापुर से। भाई साहब लगता है दिल्ली से ले लिए क्या गाड़ी? भाई लगता है दिल्ली से ले आए हैं कार बच्चे के लिए। ट्रेन हमारी दुर्गापुर से रवाना हो चुकी है। कितना? 23 डेज भाई, बताओ 23 दिन की बच्ची भी ट्रैवल कर रही है इस कोरोना काल में। हिम्मत है, रानी लक्ष्मी भाई है बहादुर। वर्धमान जंक्शन के पास स्टॉपेज नहीं है, वर्धमान जंक्शन के पास स्टॉपेज नहीं है, पर धीमी गति से निकल रही है। अरे यार रुकेगा नहीं, रुकता नहीं है यहाँ। अब वो देखिए भाई, हमारे बहादुर मौका पे लगा दिए चौका,
देखिए रुकेगा तो उतर के आराम से, लेकिन हटाने का नहीं क्या। ऐसे बहुत धीमी गति से एक भाई साहब ने चलती ट्रेन से उतर गए, लेकिन नहीं करना चाहिए जैसे ये भी उतरे हैं, रिस्की है। अरे भाई यही होगा ना, कोलकाता से आधा घंटा और लगेगा, एक घंटा वापस आने में, पर जिंदगी रहेगी तो बहुत कुछ होगा। नहीं रुकी अब, पर बेकार है आप लोग का। ये लोग भी उतरने की को आए थे बेचारे, लेकिन इन्होंने देखा समझदार थे इसलिए वापस हो गए। ये लोग समझदार थे और मैंने भी इनको रोका कि जब हम ट्रेन रुक जाए तब उतरिए। ऊपर से लेडीज़ भी है साथ में, लेडीज़ या जेंट्स की बात नहीं, किसी को भी नहीं उतरना चाहिए इस तरह से धीमी गति से। अगर ट्रेन रुकी नहीं तो नहीं उतरना चाहिए। टाइम देख रहे हैं 10:15, 10:10 पे टाइम था सियालदह स्टेशन पहुंचने का। जो ट्रेन एक घंटा से लेट चल रही थी, जो मैंने गया में देखा था, तब से लेट ही चल रही है। और ये कहां से लेट हुई है मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे कानपुर के बाद मुझे आ गई थी नींद। सुबह देखा अरे गया में एक घंटे लेट है, तब से एक घंटे लेट चल रही है। था सोचा उधर आएगी और मैं 11 पे आएगी, लेकिन आई 12 नंबर पे। तो फाइनली सियालदह राजधानी 12 नंबर प्लेटफॉर्म सियालदह पहुंच चुकी है। और जैसे मैंने बताया था शुरू में, इसमें दुरंतों के भी एक दो कोच लगा हुआ है सियालदह राजधानी में। अप्रॉक्स 45 मिनट लेट है, लेकिन हाँ इसकी रफ्तार की बात करें तो रफ्तार तो ज़बरदस्त थी जैसा आपने देखा, और साफ़ सफाई भी अच्छी थी और पेंटी का भी सर्विस ठीक ही था। चाय जो मिलता है नॉर्मल वैसा चाय मिलेगा आपको, और हल्दीराम का रेडी टू ईट फूड आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसके पेंट्री कार में। तो मैंने तो देखा, मैंने दिखाया कि वही खाया मैंने। और सेफ्टी को भी लेके भी कह सकते सियालदह राजधानी अच्छी है, कुल मिला के अच्छी ट्रेन है। जैसा आप लोग बार बार पूछते हैं कि क्वारंटाइन, तो भाई असम को छोड़ के मैंने सब ब्लॉग में बताया कि कहीं भी कहीं क्वारंटाइन नहीं हो रहा। आप सीधा उतरिए ट्रेन से और अपने घर तक जाइए। बाकी आप देख सकते हैं सियालदह रेलवे स्टेशन पे भी सिंपल, बाहर निकलना है अपने घर जाना है। ये देखिए सामने एग्जीक्यूटिव लॉन्च। बाकी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के बाहर। इतने लोग स्वागत करने आए हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, मजाक कर रहा हूँ। भीड़ देखिए, लेकिन सबको एक बाउंड्री करके पीछे रखा गया है। टैक्सी और ये लोग
टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, और मेरा बैकग्राउंड में देख रहा हूँ सियालदह रेलवे स्टेशन, और उसके ये बाहर सियालदह रेलवे स्टेशन बाहर का ये नज़ारा है। फिर मिले किसी नई झंडी पे, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, और आप सभी को प्यार भरा सलाम नमस्ते।